अजमेर शरीफ की आना सागर झील की साहिल पर स्थित है हजरत नबी शाह पीर बाबा की दरगाह। यहाँ सब मजहब के अकीदतमंद हाजिरी देने पहुँचते हैं और फूल चादर पेश कर दुआएं तलब करते हैं। पीर बाबा की दरगाह तारीखी मुगल बारादरी के करीब है, जहाँ अब अकीदतमंदों को सख्त राह पर चलकर पहुँचना पड़ रहा है। वजह है यहाँ जगह जगह बरसाती पानी और गंदगी फैली रहना। मकामी अकीदतमंदों का कहना है कि म्यूनिसिपल महकमा इस तरफ तवज्जो नहीं देता है। आसपास के रिहायशी इलाके का गंदा पानी भी दरगाह के रास्ते से होकर गुजरता है। अकीदतमंदों को तकलीफ उठाकर दरगाह जियारत करने पहुंचना पड़ता है। इस दरगाह पर खास फरहाने रहमत की दुआएं मांगी जाती है। हजरत नबी शाह पीर बाबा की दरगाह कदीमी है। दरगाह की खिदमत गुजार बताते हैं, मज़ार पर दुग्ध डलिया पर नियाज दिलाई जाती है और बरहाने रहमत के लिए खास दुआ तलब की जाती है। मकामी अकीदतमंदों का कहना है कि दरगाह के आसपास गंदगी और साफ सफाई नहीं रहने से उनको बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये आना सागर वाले नबी शाह पीर बाबा हैं, बहुत पुराने बुजुर्गान दीन ने ये नाले से रास्ता है इसका शुरू से ही। ये तो अब बना नाला, पहले बरसातों का पानी आता था, आम पब्लिक आती जाती थी यहीं से। अब ये नाला बना दिया, नाला के अंदर देखो ये गंदगी है, आना सागर के अंदर जितनी फैली हुई है ये सब इसी रुख से आती है, पूरी गंदगी आती है आना सागर के अंदर ही, वो यहाँ से जाती है गंदगी सारी। मज़ार ये आना सागर के किनारे के ऊपर ही बना हुआ है, आना सागर के तीर के ऊपर ही है। जी नहीं, आधे लोगों को बहुत ही बहुत लोगों को कम लोगों को पता, किसी को इतना पता नहीं है यहाँ का। जो बुजुर्गान दिन ये घोसी लोगों को आते थे, दूध दलिया पेश करते थे, पानी के लिए दुआएं मांगते थे, वो धरे हमेशा ही, और अभी भी पब्लिक आ रही है फुल, अभी भी पब्लिक आ रही जा रही है, फुल आती है, वहाती है, दुरुद सब कुछ होती है। रास्ता यही है नाले में से ही, हाँ ये नाले में से आते हैं जाते हैं, ये रास्ता शुरू से नहर को हो गए यहाँ कम से कम बचपन हो गया, समझ लो मेरे को तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। उसके बाद में 30-35 साल करीब हो गए मेरे को बाबा की खिदमत करते हुए।